बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग हॉकी के बारे इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। आप लोग जानते हैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉकी में उड़ीसा में और पूरे भारत देश में भी प्रसिद्ध है। तो हॉकी के आधार में आज मेरे साथ में हेरमान लकड़ा कोच है, मैं उनके साथ में बातचीत से इसका प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। मैं सबसे पहले हेरमान लकड़ा को पूछ रहा हूँ, उनका परिचय देंगे। मेरा नाम हेरमान लकड़ा है, मैं हमीरपुर मौजा का रहने वाला हूँ और हमीरपुर पारिश का ही हूँ। मेरा पिताजी का नाम राफेल लकड़ा है और माताजी का नाम मगदाली किंडू है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज राउरकेला से ग्रेजुएशन किया हूँ और उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सर्विस करने के लिए ज्वाइन किया। मैं आपका हॉकी का ट्रेनिंग कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे थोड़ा बताइए। मेरा हॉकी का ट्रेनिंग NSNIS पटियाला से हुआ और ये 1981-82 बैच था। मेरा साथ में श्री माइकल किंडो और एक फादर डोमिनिक जोजो जो सिमडेगा के थे, वो मेरा साथ में ट्रेनिंग किए थे। ट्रेनिंग के बाद में आप कहाँ कहाँ कोचिंग का काम किए, चाहे हॉकी सिखाने के लिए आप कहाँ काम किए, उसके बारे थोड़ा बताइए। ट्रेनिंग करने के बाद लगभग 6 महीना के बाद, उसको अगर हम डेट बोलेंगे तो 13 मार्च 1983 को मैंने सर्विस कटक में ज्वाइन किया था। कटक से मैं सुंदरगढ़ नेहरू युवा केंद्र आ गया। नेहरू युवा केंद्र से सर्विस करने के बाद 1.5 साल के लिए मैं BSS स्कूल सुंदरगढ़ में था, जहां पर NSTC स्कीम चालू हुआ था। सुंदरगढ़ NSTC के बाद मैंने कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में 2 साल रहने के बाद बॉय स्पोर्ट्स कंपनी रामगढ़ में आ गया। बॉय स्पोर्ट्स कंपनी रामगढ़ के बाद मैं रीजनल कोचिंग सेंटर कटक चला गया। कटक के बाद मैं दोबारा स्पोर्ट्स हॉस्टल पानपोस आ गया। पानपोस में 2 साल रहने के बाद मैंने सेल हॉकी एकेडमी राउरकेला में चला गया। वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद मैंने दोबारा BIT मिश्रा स्कूल में चला गया। वहाँ से मैं रांची आ गया। रांची के बाद सही सेंटर हजारीबाग चला गया। हजारीबाग से ही मैंने 30 सितंबर 1916 को रिटायर्ड हुआ और अभी मैं घर में ही हूँ। आप हॉकी के बारे बहुत जानकारी आपका है, तो हम लोग का सुंदरगढ़ जिला में, चाहे उड़ीसा में कहेंगे, हम लोग सुने हैं मिशनरी लोग का भी योगदान था, तो हॉकी का शुरुआत चाहे हॉकी का बढ़ावा कैसे हुआ, ये सब के बारे थोड़ा सा हम लोग के लिए जानकारी दीजिए। ऐसे हमारा भारत में हॉकी कैसे आया, उसका बारे हमारा कुछ बुजुर्ग लोग ये बोलते हैं कि ब्रिटिश आर्मी ही भारत देश में हॉकी को ले कर आया था। ब्रिटिश आर्मी में वो सब उसका आर्मी को फिजिकल फिटनेस कराने के लिए हॉकी का इस्तेमाल किया जाता था। और उसका बाद में जब सुंदरगढ़ का बात होता है, तो जो हमारा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जवान लोग, मतलब आदमी लोग, कुछ आदमी लोग जो सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर गए थे, वो सब आने के बाद इधर आपस में वो सब 2-3 आदमी मिल के हॉकी खेलते हैं। हो सकता है ये भी एक सुंदर डिस्ट्रिक्ट में हॉकी का प्रसार करने का काम किया है। दूसरा बात, हमारा जयपाल सिंह मुंडा जो 1928 में कैप्टन थे, उसने भी
आदिवासियों को हॉकी खेलने के लिए बोले होंगे। खास करके उस टाइम सुंदरगढ़ भी छोटा नागपुर एरिया का एक पार्ट था, तो उसमें जयपाल सिंह का इन्फ्लुएंस में हमारा भाई लोग हॉकी खेलने शुरू किए। और मेरा जितना तक तजुर्बा है, जयपाल सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास करने के बाद जब इंडिया आ गए, उन्होंने अपना आदमियों को हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहन किए और हॉकी कैसे खेला जाएगा, हॉकी स्टिक कहाँ से मिलेगा वो सब बताए। उस टाइम हॉकी बॉल खरीदना की पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमारा पूर्वज लोग वो बांस का जो नीचे ठुपू रहता है ना, उसी को गोल बनाकर उसी से हॉकी खेला करते थे। उसका बाद जब मिशनरीज लोग यहाँ आए, तो मिशनरी लोग भी हॉकी को हमारा सुंदरगढ़ ज़िला में ले के आए हैं बोलते हैं। हमारा मान्यवर फादर अल्बर्ट खेस का एक किताब लिखा हुआ है, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि बेल्जियम का जेल मिशन का मिशनरीज लोग जिस टाइम सुंदरगढ़ आए तो उनका साथ में हॉकी ले के आए। और मुझे जितना जानकारी है, उस टाइम मैंने बहुत पुराना टाइम में हॉकी का मेन जगह राजगमपुर ही था। बाद में जब जिसवीट मिशनरीज लोग आया तब उन्होंने भी हॉकी साथ में ले कर आया, और जहाँ जहाँ वो सब पैरिस खोले और स्कूल खोले वहाँ पर भी हॉकी का खेल शुरू कर दिए वो सब। खास करके जिस टाइम संडे का दिन में सुबह प्रेयर होने के बाद या तो बोले कि होली मास होने के बाद भी गांव वही पैरिस का पास में जो ग्राउंड था, पैरिस फील्ड जिसको आजकल बोलते हैं, वहीं पर हॉकी खेला जाता था। और अंपायरिंग करने के लिए वही प्रचारक थे या तो कोई फादर ही उसको अंपायरिंग करते थे, और कभी कभी साथ में प्रचारक और फादर लोग भी खेला करते थे। लेकिन जब उसका मौका, जब वहाँ समय का अभाव हुआ, प्रचारक सब का पुरोहित सब का काम ज़्यादा हो गया, तब उन्होंने उनको आदेश दिया कि तुम लोग अपना गाँव में ही शाम को खेलो। तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि हॉकी खेलने से क्या फ़ायदा होगा। हमारा आदिवासी लोग उस टाइम मेहनत तो करते थे, शरीर से तो तंदुरुस्त थे वो ठीक है, लेकिन फ्रेशनेस, मन खुश, मेंटली रिफ्रेशमेंट के लिए हॉकी खेलना एक मुद्दा था। दूसरा बात, हॉकी खेलने से सब रोज़ मेलजोल होने से या तो हफ्ता में कम से कम से एक रोज़ एक दूसरे से मिलने से उसमें एकता बढ़ता था। दूसरा बात है, उस टाइम कोई पेपर का साधन नहीं था, आदमी लोग दूर दूर से एक ही जगह में हॉकी खेलने के लिए आता था, तो अपना परिवार में या तो अपना गांव में किसी एक कुछ दुख तकलीफ हो रहा है उसको भी बातचीत करते थे। तो इसमें हॉकी खेलने से एक साथ में तीन चीज़ काम होता था उस समय में, जैसे नंबर वन माने क्या बोलेंगे उसको, साइकोलॉजिकली फ्रेशमेंट होगा, बिल्कुल फ्रेश प्रफुल्ल रहेगा हमारा। दूसरा है यूनिटी होता था, तीसरा हम लोग एकता होता था, और तीसरा होता हम लोग अपना अपना जो दूसरा दूसरा गांव से आता था ना, वो सब गांव के बारे में हालचाल बताता था। इसी तरह का ये हॉकी चलता था। अच्छा, आप मिशनरी लोग के बारे बोले, मैं सुना था कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मिशनरी स्कूल में एडमिशन बांधने के लिए हॉकी स्टिक की जरूरत था, ऐसा ही सच है क्या? ऐसे ही सच है, बहुत ज़्यादा जान। साहब स्कूल का बात तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमीरपुर हाई स्कूल में, इसका पुराना नाम था राजेश्वरी हाई स्कूल, तो इसमें अगर कोई भी लड़का उसमें एडमिशन लेने के लिए आएगा तो उसका हॉकी स्टिक है कि नहीं पहले देखा जाता था। अगर हॉकी स्टिक है तो एडमिशन होगा, अगर हॉकी स्टिक नहीं है तो एडमिशन नहीं होता था। मतलब खेल को उस टाइम इसका इतना प्रवर्धन दिया जा रहा था। लकड़ा साहब, आप तो बड़े बड़े शहर में चाहे अलग अलग जगह में गए हैं, जो स्टेडियम रहता है उसमें एस्ट्रो टर्फ बोलते हैं, लेकिन हम लोगों का देहात में चाहे रूरल एरिया में साधारण मैदान में वो लोग खेलते हैं, लड़के लोग चाहे लड़की लोग, तो आप इसके फर्क कैसे है कि कैसे करने से वो लोग एस्ट्रो टर्फ में भी खेल सकते हैं बाद में, कुछ ऐसा जानकारी दे सकते हैं क्या इसका फर्क, चाहे इसका बारे में ग्राउंड के बारे में? जो ज़मीन का जो ग्राउंड है उसमें हॉकी खेलने से उसके स्टाइल चेंज हो जाता है, मतलब कैसे बॉल को रिसीव करना है, बॉल को पुश करना, स्टाइल चेंज हो जाता है। लेकिन टर्फ में खेलने से उसका स्टाइल चेंज होता है।
तो एक्चुअली टार्प का तजुर्बा लेने के लिए टार्प में ही खेलने से ही अच्छा है। और टार्प का खेल का परफॉर्मेंस और जो ज़मीनी ग्राउंड का परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। अच्छा, और एक मैं पूछना चाह रहा था जयपाल सिंह मुंडा के बारे, वो भी बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे ऐसा हम लोग सुने हैं, तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं, चाहे कुछ उनका जो घटना हुआ उसके बारे थोड़ा बता सकते हैं जिसको हम लोग जानेंगे? जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के बारे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो खूंटी के रहने वाले थे और 1928 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई कर रहे थे तब अम्स्टरडम में जो ओलंपिक हुआ था 1928 में उसका वो कैप्टन थे, इंडिया का कैप्टन थे। और वो एक प्रकार का हॉकी के साथ में वो बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेला करते थे। अच्छा, धन्यवाद। तो हम लोग का आदिवासी लड़के लड़कियों के लिए ये हॉकी खेल भविष्य में चाहे प्रोफेशनल लाइन में जाने के लिए कैसे कुछ मदद हो सकता है कि कैसे इसका अनुभव किया प्रोफेशनल? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए जगह जगह में स्पोर्ट्स हॉस्टल सब खोल दिया है और उसमें ट्रेंड कोच, क्वालिफाइड कोच जिसको बोलते हैं, उनका पोस्टिंग हो गया है। जैसे हमारे ओडिशा में स्पोर्ट्स हॉस्टल पानपोस है और सुंदरगढ़ में भी स्पोर्ट्स हॉस्टल पानपोस है, कटक में भी है। तो इसमें एक फ़ायदा क्या है, हमारा जो लड़का लोग जो सब स्पोर्ट्स हॉस्टल में सेलेक्ट होके आ रहे हैं और उनको जो ट्रेंड कोच लोग कोचिंग दे रहा है उनमें से इनको नेशनल खेलने में मौका मिल रहा है और नेशनल खेलते हुए सब चैम्पियन भी हो रहे हैं और अभी ऑल इंडिया ऑल इंडिया में चैम्पियन भी हो रहे हैं और साथ में सब जो अभी इंटरनेशनल मैचेज जो है, वर्ल्ड कप हो गया, एशियन गेम हो गया, ओलंपिक हो गया, उसमें भी ये सब पार्टिसिपेट करने सीख रहा है। इसमें हम लोगों का सबसे बड़ा चीज़ ये है, हम लोगों का रोजी रोटी का स्कोप ज़्यादा मिल रहा है। मान लीजिए रेलवे में सर्विस लेने के लिए एक नेशनल प्लेयर चाहिए, तो ये स्पोर्ट्स हॉस्टल में जो ट्रेन लड़का लोग ही जा रहे नेशनल खेल रहे हैं जिससे उसको रेलवे में सर्विस पाने का स्कोप मिल रहा है। इसलिए जो स्पोर्ट्स हॉस्टल सब जो अभी गवर्नमेंट खोल के रखा है वो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू। अच्छा, आप तो जो लोग हॉकी खिलाड़ी पहले भी थे उनके बारे जानते हैं, जैसे माइकल किंडो, चाहे दिलीप तिर्की, चाहे से, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बता सकते हैं ताकि बहुत उनका नाम लेने से भी चलेगा और उनका ज़्यादा लंबा नहीं करने से भी उनका नाम शब्द हमारे ज़िला में चाहे उड़ीसा में कौन कौन ऐसा हॉकी प्लेयर्स नोन हैं उसके बारे बताइए। वैसे तो हमारा हम लोग श्री माइकल किंडो का नाम ले सकते हैं, इसलिए कि उसने उसी के प्रेरणा से ही हमारा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हॉकी प्लेयर लोग हॉकी खेलते हुए आगे बढ़े हुए हैं। जबकि माइकल किंडो 1972 में उसको अर्जुन अवार्ड मिला था, उसी को देखकर हमारा सुंदरगढ़ से जो पीटर तिर्की है 1982 में जूनियर वर्ल्ड कप खेले हैं। उसका बाद में एक हमारा मैडम खेली है ग्लोरिया डुंगडुंग, उसका बाद में खेली है। उसका बाद में हमारा ये जो आए हैं दिलीप तिर्की आए हैं, लजरूस बरला आए हैं, विलियम खलखो आए हैं, एग्नेस तिर्की आए हैं, प्रबोध तिर्की आए हैं और विकास टप्पू हैं, ऐसे और भी प्लेयर हैं जिनका नाम मैं नहीं बोल सकता हूँ अभी, लेकिन ये सब वही मेहनत अपने आप मेहनत किए हैं और इस पोजीशन में सब आए हैं जिनको अभी हमारा भारत देश ही नहीं दुनिया जानती है कि ये सब एक इंटरनेशनल प्लेयर है बोलकर। आप हॉकी के बारे में बहुत अच्छा बताए और सुंदरगढ़ जिला में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बताएँ, लेकिन हम लोग सुने हैं पेपर में पढ़े हैं कि 2023 में राउरकेला में इंटरनेशनल लेवल का हॉकी गेम होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या मैच होने वाला है? इंटरनेशनल हॉकी गेम होगा, इंटरनेशनल 2023 में जो राउरकेला में जो इंटरनेशनल मैच होने वाला है, आज जिसके लिए तो बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है उसमें बेशक ही हमें फ़ायदा होगा, इसलिए कि हम लोग बहुत नज़दीक हैं, हो सके तो हम लोग को फ्री एंट्री मिल जाए और हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर सबको आँख में देख सकते हैं और देखेंगे तब हमारा मोटिवेशन भी होगा
और जिससे कि हम लोग या तो हमारा प्लेयर लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा बोले। मैं अभी हमारे मिशन चाहे दूसरे स्कूल में भी लड़के लड़के लोग जो पढ़ते हैं विशेषकर हाई स्कूल लेवल में, उनके लिए कुछ सलाह दीजिए कि वे ये हॉकी को अपना एक कार्यक्रम में कैसे वो लोग इम्प्रूव कर सके, मैंने हॉकी खेल को कैसे इम्प्रूव कर सके जो लोग स्पोर्ट्समैनशिप में आए, चाहे उनके लिए कुछ सलाह दीजिए यंग जनरेशन के लिए। वैसे मैंने गांगपुर स्पोर्ट्स एकेडमी राउरकेला एक रजिस्टर्ड क्लब है मेरा, और उसको मैं हमीरपुर हाई स्कूल में अटैच करके चला रहा हूँ। और जब सुंदर डिस्ट्रिक्ट का जब हॉकी का डेवलपमेंट का बारे में जब बात हो रहा है, तो हमारा मिशन स्कूल में कम से तो कोई भी स्कूल में कोच का अपॉइंटमेंट तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक पीटी का रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि पीटी इनको थोड़ा बहुत गाइड करके हाई स्कूल लेवल से इनको बाहर में पार्टिसिपेट करने का फिटनेस बना दे। हाँ ठीक है, आपके कहने के अनुसार कम से कम पीटी टीचर उनको मदद करेंगे। हाँ ठीक है, आज हमारे साथ में हेमंत लकड़ा बहुत अच्छा से हॉकी का शुरुआत बढ़ावा और इसका स्कोप सबके बारे बताए, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी का समय में कैसे हम लोग इसको अपना सकते हैं खेल को, इस सबके बारे बताए, तो ज़रूर मैं सोचता हूँ ये खेल हम लोग सबको ही चाहते हैं, माँ बाप लोग चाहते हैं कि बेटा बेटी लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना ठीक है अध्ययन करना ठीक है, लेकिन खेल के साथ में पढ़ाई के साथ में खेल भी ज़रूरत है। इसलिए हॉकी एक तो ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके ज़रिए से हम ऊंचे दर्जा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं आपका जो हमारे लिए जो आज अपना जानकारी बात को सुनाए, मैं बहुत खुशी हूं और आपके प्रति मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं आपको इस इंटरव्यू कहेंगे चाहे इस वीडियो प्रोग्राम में आप शामिल हुए। आखिरी में और कुछ कहना कहेंगे कि हो गया कि और बोलेंगे कुछ बोलेंगे और हो गया बोल रहे हैं, तो मैं दर्शक बंधुओं को मैं कहूँगा हम लोग सीख सकते हैं ऐसे कोच हेमंत लकड़ा जैसे कोच जो लोग इधर उधर घूमे हैं और हॉकी का अनुभव है, तो हमारे साथ में आज ये हम लोगों को हॉकी खेल के बारे बताए। ज़रूर हम लोग गांव घर में भी खेलते हैं, लेकिन वो एक तो अलग तरीक़ा से है, जैसे हम लोग खासी काप खेलते हैं, मुर्गी काप खेलते हैं, चाहे कभी कभी नड़िया काप भी खेलते हैं, लेकिन वो तो कहेंगे प्राइमरी लेवल में हैं, लेकिन और थोड़ा उच्च स्तर में खेलने के लिए हम लोग को स्टेडियम में खेलना पड़ेगा, जो विशेष प्रकार का स्टेडियम रहता है, जगह रहता है, और रूल रेगुलेशन आजकल भी बदल जा रहा है। तो जैसे हनुमान भी बताए गाँव घर में शुरू करके हम लोग एस्ट्रोटर्फ जो बोलते हैं वैसे स्टेडियम में खेलने से भी हम लोग यदि सही तरीके से हम लोग को प्रशिक्षण मिलेगा गाइड मिलेगा तो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए, धन्यवाद। बाइबल में यीशु कहेला मोहे को जीवन, मोहे को आत्मा, मोहे को शांति।